हाय, वेलकम टू PLP एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज मैं आपको लेके आया हूँ DLF फेज 3 में, जहाँ पर DLF लेके आया है लो राइज इंडिपेंडेंट प्रीमियम फ्लोर्स। दीज लो राइज फ्लोर्स आर बाय द नेम ऑफ इम्पीरियल रेसिडेंसेज, जहाँ पर आपको मिलते हैं 4 BHK लो राइज प्रीमियम फ्लोर्स के ऑप्शन। और अगर प्लॉट साइजेस की बात करें तो प्लॉट साइजेस आपके शुरू होते हैं 270 गज से लेकर 500 गज तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकेशन की, जहाँ पर ये फ्लोर लॉन्च किए हैं DLF ने। उसके बाद हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, सराउंडिंग लोकेशंस क्या है। उसके अलावा बात करेंगे कि फीचर्स की, फिर बात करेंगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, और उसके बाद हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि जो लोकल बिल्डर फ्लोर है इसी लोकेशन में, जो कि DLF के फ्लोर से सस्ते हैं, उसमें और इसमें क्या कंपैरिजन है और आपको क्यों DLF के फ्लोर्स लेने चाहिए। तो सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि जो भी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जैसे ही YouTube वीडियो मेरी अपलोड होती है YouTube चैनल पे। और उसके साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। तो आइए अब शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं DLF फेज 3 की। DLF फेज 3 सबसे नज़दीक लोकेशन है दिल्ली से। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका दिल्ली से कनेक्टिविटी नज़दीक चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो उन क्लाइंट्स के लिए DLF फेज 3 इज़ द बेस्ट लोकेशन। इसके बिल्कुल साथ में ही आपको क्लब हाउस मिल जाता है DLF फेज 3 का, विच इज़ अगेन अ वेरी प्रीमियम क्लब हाउस, जिसकी आपको मेंबरशिप मिल जाती है DLF का फ्लोर लेने से। और लोकेशन की बात करें तो साइबर सिटी, एम्बियंस मॉल, लीला होटल जैसी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ आपकी DLF फेज 3 के ही अंदर आती है। उसके अलावा DLF यहाँ पर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है बाय द नेम ऑफ DLF डाउनटाउन और DLF इंडिया मॉल, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। और जो DLF डाउनटाउन है वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया निकल के आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से आपका NH8 भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, और अगर गुड़गांव मेहरौली रोड की बात करें तो वो भी आपका यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। तो लोकेशन आपकी बहुत ही अच्छी है अगर दिल्ली के लिए आप डाउन करना चाहो NH8 से या फिर गुड़गांव मेहरौली रोड से। MG रोड की बात करें तो वो भी यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है। फरीदाबाद रोड के लिए भी अगर आपको यहाँ से जाना हो तो वो भी बिल्कुल नियर बाई में है। तो लोकेशन ऐसी है कि जहाँ से आप दिल्ली NCR का हर कोना इजीली एक्सेस कर सकते हो। मेट्रो स्टेशन की बात करें तो चाहे साइबर सिटी का मेट्रो स्टेशन हो, चाहे गुड़गांव मेहरौली रोड पर घिटोरनी मेट्रो स्टेशन हो, सारे मेट्रो स्टेशन आपके 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आते हैं। तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर पूरी है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉकेट की। ये जो पर्टिकुलर पॉकेट है ये आपकी फुली गेटेड पॉकेट है, जहाँ पर आपके बिल्कुल आपके बैरिगेट्स लगे होंगे अंदर पॉकेट में आने से पहले, आपके सिक्योरिटी गार्ड प्लेस होंगे एंट्री गेट पर। उसके अलावा CCTV सर्वेलेंस आपको प्रॉपर मिलती है।
तो फुली गेटेड कम्युनिटी विद द प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसा कि आज की डेट में लोगों को चाहिए होता है। कि लो राइज फ्लोर में पहले दिक्कत ये आती थी कि आपकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती थी, कहीं ना कहीं DLF ने इस चीज़ को इसमें रेक्टिफाई किया है। आपको प्रॉपर पॉकेट के अंदर बैरिकेड्स दिला के और CCTV सर्विलियंस, उसके अलावा आपके वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी, टेलीकॉम फैसिलिटी, वो सारी जो चीज़ें आज की डेट में आपको टेक्नोलॉजी मिलती है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फीचर्स, वो सारे इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको बेसमेंट प्लस टेल्ड प्लस 4 लेवल का स्ट्रक्चर मिलता है। बेसमेंट जो है DLF की, वो उसमें आपको 4 स्टोर रूम, उसके अलावा 4 सर्वेंट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम दिए गए हैं, जो कि आपके चारों फ्लोर्स ओनर में इक्वली डिवाइड होते हैं। अब बात करते हैं टेरेस की। टेरेस जैसे नॉर्मली गुड़गांव में आपका जो 4th फ्लोर ओनर होता है उनको चला जाता है, लेकिन DLF ने यहाँ पे जो टेरेस के राइट है वो आपको शेयर्ड रखे हैं, कॉमन टेरेस राइट रखे हैं। तो आप सारे जो भी फ्लोर ओनर्स हैं, चारों फ्लोर ओनर्स, वो टेरेस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 4th फ्लोर ओनर के लिए। सो ये एक कहीं ना कहीं बेस्ट पार्ट है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फ्लोर ओनरशिप आपको टेरेस के राइट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं स्टिल्ट एरिया की। स्टिल्ट एरिया पे आपको कार पार्किंग का स्पेस मिलता है पर फ्लोर ओनर, यहाँ पे 2 कार पार्किंग मिलती है। यहाँ पे कार पार्किंग का एक बड़ा ही अच्छा फीचर निकाला है कि इन्होंने एक ड्राइववे दिया है प्रॉपर। आपको ड्राइववे होने से क्या होता है कि आपका जो कार पार्किंग में ज़िगज़ैग होता है कि आगे पीछे गाड़ी लगा रखी है, आपको फिर हटानी पड़ेगी, फिर हटवाओ फिर लगाओ, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। प्रॉपर आपको एक ड्राइववे दिया है जिससे कि आपको बड़ा इजीली हेल्प आउट होता है अपनी कार लगाने में। ये एक अपने ही तरह का एक अलग फीचर है, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के अंदर आपको ऐसा फीचर कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा। सो ये एक एड ऑन फीचर आपको मिलता है DLF के लो राइज प्रीमियम फ्लोर्स में जाने में। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। देखिए, जब भी आप बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत मैटर करती है। वो बिल्डर फ्लोर हो चाहे हाई राइज अपार्टमेंट हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है बायर्स के लिए जब भी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं कि जहां पर आप अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसकी वजह से आपका पैसा डूब जाता है। वो चाहे आपके लीगली प्रॉब्लम हो कि लीगली उन्होंने पूरे के पूरे वहाँ पर जो आपको रेरा के अंडर जो सर्टिफिकेशन लेनी होती है वो पूरे नॉर्म्स नहीं उन्होंने फॉलो किए होते, चाहे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो जिसकी वजह से कई बार आपकी कोई वॉल गिर जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो DLF में जब आप जाते हो तो ये सारे के सारे प्लॉट्स आपके रेरा रजिस्टर्ड है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के मामले में DLF का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। DLF इज़ नोन फॉर हैविंग अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बीट इट्स लो राइज प्रीमियम फ्लोर्स और चाहे इसके हाई राइज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो। आप कोई भी इनके प्रोजेक्ट्स उठा के देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कभी भी DLF कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें MyOne कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें अगर आप वॉल्स को देखोगे तो वो आपकी ईंटों की नहीं है, ब्रिक वर्क नहीं है उसमें, वहीं वहाँ पे आपका RCC का वर्क किया गया है जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी को भी एश्योर करता है। सो ये थी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान जो है DLF ने इसमें बहुत ही अच्छा निकाला है। 25, 25 और 50 का इसमें पेमेंट प्लान है। 2.5 साल का बिल्डर्स को टाइम लगेगा फ्लोर्स बनाने में। सो अकॉर्डिंगली आपका टाइम लिंक प्लान है, अकॉर्डिंगली आपका इसमें पेमेंट जाएगा। होम लोन की भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। किसी भी बैंक से आप चाहे तो इसमें होम लोन अवेल कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रॉपर रेरा के अंडर आता है, रेरा सर्टिफिकेशन है, तो आपको उस तरह के कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं नॉर्मल बिल्डर फ्लोर और DLF के बिल्डर फ्लोर्स में क्या डिफरेंस है और आपको DLF का लेना चाहिए या नॉर्मल बिल्डर फ्लोर लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी नॉर्मल बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उसमें आपका ब्रिक वर्क यूज़ किया जाता है। जितने भी चाहे आप फेज़ 3 में देखो, चाहे फेज़ 4 में देखो, फेज़ 2 में देखो, कहीं पे भी जो नॉर्मल बिल्डर फ्लोर्स हैं, जो लोकल बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, उसमें ब्रिक वर्क का यूज़ किया जाता है। लेकिन DLF के फ्लोर्स हैं इकलौते ऐसे फ्लोर्स हैं जिसमें कि RCC कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है। उससे बेनिफिट ये होता है कि तो गुड़गांव में सीपेज की बड़ी प्रॉब्लम है। बेसमेंट आप नॉर्मली यूज़ कर ही नहीं सकते। बनाने को तो बेसमेंट आपको बन जाती है, आपको लोकल बिल्डर बना के दे भी देता है, लेकिन जब यूज़ करने की बात आती है तो उसमें बड़ी
प्रॉब्लम आ जाती है आपकी, एक तो बदबू बड़ी बनी रहती है स्मेल, क्योंकि उसमें सीपेज की प्रॉब्लम होती है तो जिससे स्मेल बड़ी बनी रहती है। दूसरा वेंटिलेशन की बड़ी दिक्कत होती है। डीएलएफ के फ्लोर्स अगर आप देखोगे तो वेंटिलेशन प्रॉपर रखी गई है, ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर आपको ग्लास वॉल मिलेगी जिससे कि आपकी सनलाइट प्रॉपर अंदर आ सकेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये रहता है कि आप बेसमेंट में नहीं हो, लेकिन लोकल बिल्डर फ्लोर में ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा होता है बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी, जब आप ब्रिक वॉक यूज़ करते हो तो सीपेज की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रहती रहती है, लेकिन दूसरा क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रहती, लेकिन आरसीसी कंस्ट्रक्शन जब भी होता है तो बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ब्रिक वॉक से ज़्यादा रहती है। तो ये दो बेनिफिट थे जो कि आपको डीएलएफ के फ्लोर्स में जाने से मिलते हैं। इसके साथ साथ जो अदर फीचर है वो ये है कि एक तो आपको एक्सक्लूसिव मेंबरशिप मिलती है डीएलएफ के क्लब की, जो कि फेज़ 3 में इनका लोकेटेड है। दूसरा है प्रॉपर गेटेड आपको सोसाइटी मिलती है जहाँ पर आपके सिक्योरिटी गार्ड है, कैमराज लगे हुए हैं। उसके अलावा इसमें आपको एक प्रॉपर मेंटेनेंस एजेंसी हायर की जाएगी डीएलएफ के द्वारा। सो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो भी है आपकी बिल्डिंग के जो भी मेंटेनेंस है वो थर्ड पार्टी को जाएगी, तो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि आपके जो अपार्टमेंट्स है आपकी जो बिल्डिंग है वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन रह सके। अब बात करते हैं कि डेवलपर आपके फ्लोर्स में आपको क्या क्या लगा के दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग और डाइनिंग हॉल की, उसमें आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है डेवलपर की तरफ से। जितने भी आपके बेडरूम्स है उसमें आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है। उसके साथ साथ ही आपको इसमें वीआरवी एयर कंडीशनिंग आपको पूरे अपार्टमेंट में मिलेगी। जो आपका किचन एरिया है वो आपको फुली मॉड्यूलर किचन एरिया मिलता है अलोंग विद इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जैसे कि आपके डिशवॉशर हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिलती है। पिछले फ्लोर और इसमें एक एडिशनल पॉइंटर डीएलएफ लेके आया है, वो है होम ऑटोमेशन। इसमें आपको होम ऑटोमेशन का फैसिलिटी भी मिलती है जो कि आपकी सेफ्टी के फीचर को एक लेवल आगे ले जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि एक वीडियो में तो डीएलएफ के फ्लोर्स के फीचर्स, लोकेशन, सारी चीज़ों को कवर करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत सी चीज़ें छूट गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें हो सके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। बट व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग इज़ टू के एक बार आप आइए, हमें कॉल कीजिए, जो नंबर्स इस वीडियो स्क्रीन में शो हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए। एक बार हम साइट विज़िट पर आते हैं और आपको मैं अकॉर्डिंगली लोकेशन समझाऊंगा, आसपास की कनेक्टिविटी समझाऊंगा, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ आएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंपीरियल रेसिडेंसेस ऑफ डीएलएफ जो कि आपके फेज 3 में आते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर आपको करनी हो इन फ्लोर्स के लिए तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। इसके साथ ही मैं व्हाट्सएप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।